देखिए, आगामी नगर निगम का जो चुनाव 2022 में संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर जो मतदाता सूचियों में कमियां खामियां हैं उसको लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। हमारे यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने और संबंधित अधिकारियों ने 31 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का हमारे पूरे महानगर में प्रकाशन होना था पोलिंग स्टेशंस पर। तो हमारे तमाम पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता थे, सेक्टर के थे, वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, जब ये लोग पोलिंग स्टेशन पर गए तो वहाँ सूचियाँ नहीं मिली। उन सूचियों को देखकर हमें आपत्ति देना थी, जब वहाँ सूचियाँ थी नहीं तो हम आपत्ति किस पर देते। उसके बाद इन्होंने 7 नवंबर की डेट दी, 7 नवंबर को भी इन्होंने प्रकाशन नहीं किया, ना वो मतदाता सूचियाँ दिखाई, जिसकी वजह से हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, वो लोग आपत्तियाँ नहीं दे पाए। कल, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कल अंतिम दिन है मतदाता सूची का प्रकाशन का, और मुझे लगता है कि अभी तक मतदाता सूचियां तैयार नहीं हुई हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम पार्टी के अपने सम्मानित नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, क्योंकि आज ही का दिन है जब हमें देखने को नहीं मिलेगा कि क्या क्या कमी है, कहाँ के वोट कहाँ जोड़ें, कितने वोट काटे हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम आपत्ति देंगे किस पर, इसलिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए। आगे पीछे ही भैया, जी ये एक गंभीर मुद्दा है निष्पक्ष चुनाव के लिए नगर निकाय के। नगर निगम की वोटर लिस्ट जैसा कि 31 अक्टूबर को प्रिंट होकर हम लोगों को मिलना थी, जिस पे आपत्ति करना थी, जो प्रिंट नहीं हुई, ऐसी 7 नवंबर को दोबारा लिस्ट प्रिंट होती कि जो हमने आपत्तियाँ दी थी उनका निस्तारण किया हुआ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और अब 18 नवंबर को डेट आनी है, ये लोग वोटर लिस्ट में क्या खेल करेंगे, कहाँ का वोट कहाँ जोड़ेंगे, कितने काटेंगे, अब हम लोगों पर आपत्ति के लिए कोई नियमानुसार समय नहीं बचता है। इस संबंध में मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया है और वो भी आज लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये प्रदेश में इस तरह से अगर चुनाव हुए तो निश्चित बात है निष्पक्ष नहीं होंगे और वोटों का जो उसमें खेल होगा वोटर लिस्ट में, वो बहुत ही निंदनीय होगा। धन्यवाद।